हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ममता दुबे आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 8 जून के करंट अफेयर्स का पंचनामा करेंगे। इस करंट अफेयर्स पंचनामे में दिए गए समस्त प्रश्न हमारे आने वाले सभी एग्जाम SSC, IBPS, बैंक, लेखपाल, UP SSC सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आप हमारे एक टेलीग्राम चैनल से संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई जानकारी चाहिए एग्जाम संबंधी, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार का निधन हो गया है। ऑप्शन फर्स्ट, वो कौन गीतकार हैं? समीर अंजान। ऑप्शन सेकेंड, जावेद अख्तर। थर्ड, अनवर सागर। फोर्थ, गुलजार। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है थर्ड, अनवर सागर। यहाँ आप देख रहे हैं तो अनवर सागर का 70 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में निधन हुआ। ये अनवर सागर जी 80-90 के दशक में अजय देवगन की फिल्म विजय पर, डेविड धवन की फिल्म याराना, जैकी श्रॉफ की फिल्म सपने साजन के आदि में इन्होंने अपनी सुपरहिट गाने दिए हैं। इनमें से इनका सबसे जो फेमस गाना रहा है वो है वादा रहा सनम, जिसे इन्होंने लिखा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट में समीर अंजान, ये भी गीतकार हैं, प्रसिद्ध गीतकार। सेकेंड, जावेद अख्तर, ये भी गीतकार हैं, साथ में कवि भी हैं, पट कथा लेखक भी हैं। फोर्थ में आप गुलजार जी देख रहे हैं, फिल्म निर्देशक भी हैं, गीतकार भी हैं, लेखक भी हैं और शायर भी हैं। सो यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकेंड क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हुए पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका जापान, सेकेंड है भूटान, थर्ड है आपका ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सेकेंड, भूटान। यहाँ आप मैप में, इंडिया के मैप में भूटान देख रहे हैं, ये आपका भूटान रहा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और भूटान के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में इस सहयोग पर समझौता ज्ञापन की मंजूरी दे दी गई है। ये समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की जो तिथि होती है, ये तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक मान्य रहता है, यानी लागू रहता है। जब हम भूटान की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा भूटान के बारे में और जानकारी इकट्ठे कर लेते हैं। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। यहाँ की जो किंग है वो है जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचू, और मुद्रा यहाँ की क्या है? भूटानी नगुलड्रम, नगुलड्रम भी कह सकते हैं, या फिर आप भूटानी मुद्रा भी कह सकते हैं। यह मुद्रा है आपकी भूटान की। क्लियर? ऑप्शन फर्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट है ऑप्शन जापान। जापान की थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा यहाँ की है जापान, पीएम यहाँ पे हैं, यहाँ पे सिंजो आबो यहाँ के पीएम है, सिंजो आबे भी कह सकते हैं। तो क्लियर हो गया। थर्ड आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ के पीएम है स्कॉट मॉरिसन। फ्रेंड्स, यहाँ नक्शे में आप नेपाल देख रहे हैं, तो नेपाल के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो इसको भी लेते हुए चलते हैं। नेपाल ने भी हाल ही में एक विवादित नक्शा जारी किया है, जिसमें उसने भारत के तीन स्थलों को अपने बताए हैं। वो तीन स्थल कौन से हैं? पहला स्थल है लिम्पिया धुरा दर्रा, दूसरा स्थल है काला पानी, और तीसरा स्थल है त्रिपुलेक दर्रा। तो इन तीन दर्रों को नेपाल ने स्वयं का बताया है। नेपाल की एक और जानकारी है, नेपाल को एक बफर स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बफर स्टेट। अच्छा, बफर स्टेट क्यों कहा जाता है? तो जो जब कोई स्टेट कोई राज्य है, वो कोई देश है, वो दो महान देशों के, या फिर ये कह सकते हैं शक्तिशाली देशों के बीच में फंस जाता है या घिरा होता है। तो यहाँ देख रहे हैं इंडिया है और साथ में चाइना है, तो इसके बीच में कौन सा है? नेपाल है। तो उस घिरे हुए शक्तिशाली दो शक्तिशाली राज्यों सॉरी देशों के बीच में जब कोई एक देश फंस जाता है तो उसे बफर स्टेट कहा जाता है। तो नेपाल हमारा बफर स्टेट भी कहलाता है। साथ में अभी मैंने नेपाल की जानकारी दी है कि इसने एक विवादित नक्शा जारी किया और इसमें भारत के तीन स्थलों को अपना बनाया। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। थर्ड क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। हाल ही में बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस क्षेत्र में रियल टाइम मार्केटिंग की शुरुआत की है? ऑप्शन आपके सामने, फर्स्ट ऑप्शन है सूचना एवं प्रसारण क्षेत्र में, सेकंड है रसायन और उर्वरक क्षेत्र में, और थर्ड है बिजली विभाग में, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपके सामने है बिजली विभाग में। यहाँ आप देख रहे हैं RK सिंह जी को।
बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं आरके सिंह जी। इन्होंने बिजली के क्षेत्र में रियल टाइम मार्केटिंग की शुरुआत की है। इसके द्वारा क्या होता है कि उपभोक्ताओं को डिलीवरी के ठीक एक घंटा पहले बिजली खरीदने की अनुमति मिल जाती है। सो यहाँ से समाप्त होता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसका फर्स्ट ऑप्शन है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि सूचना एवं प्रसारण क्षेत्र, इसके जो मंत्री हैं वो कौन है, वो है प्रकाश जावड़ेकर जी, प्रकाश जावड़ेकर। सेकंड आपका दिया है रसायन उर्वरक क्षेत्र, तो इसके जो मंत्री हैं वो है सदानंद गौड़ है। थर्ड आपको पता ही है, थर्ड के मंत्री हैं आर के सिंह। यहाँ से क्लियर होता है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा कि हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, राष्ट्रीय खाद निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पद भार ग्रहण किया है, किसने ग्रहण किया है। ऑप्शन आपके सामने, फर्स्ट ऑप्शन है वीरेंद्र नाथ दत्त जी ने, सेकंड है सुरेश प्रभु ने, थर्ड है सत्येन जैन ने, तो फोर्थ है इसमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने ये रहा, यानी राइट आंसर ये रहा वीरेंद्र नाथ दत्त। ये आप देख रहे हैं वीरेंद्र नाथ दत्त जी को। तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL, इसके ये अभी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हुए हैं, और ये जो इसका मुख्यालय है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का, ये मुख्यालय कहाँ है, नोएडा में। ऑप्शन सेकंड देख लेते हैं, सुरेश प्रभु है, ये हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, ठीक है। थर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे सत्येन जैन जी को, तो सत्येन जैन जी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो यहाँ से हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, पहला है 1 जून, सेकंड है आपका 2 जून, थर्ड है आपका 3 जून, 3 जून और फोर्थ है आपका 8 जून। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ये रहा आपके सामने 8 जून। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये फर्स्ट वीक के थोड़े ऑप्शन है, इनको जान लेते हैं। 1 जून को क्या मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसकी जानकारी लेते चलते। तो 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। क्लियर, क्यों मनाया जाता है, डेयरी जागरूकता के लिए विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। सेकंड को मनाया जाता है तेलंगाना दिवस। 2014 में ये भारत का 29वां राज्य बना तेलंगाना, ठीक है, 2 जून 2014 को। थर्ड जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। और यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है फर्स्ट वीक का, 4 जून। तो 4 जून को इम्पोर्टेंट डे है, तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेसन। तो ये होता क्या है इसमें, तो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेसन, इसमें होता है ये है कि जो दुनिया भर के बच्चे हैं जिनको प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, इमोशनली रूप हो, किसी भी रूप से उनको टॉर्चर जब किया जाता है, तो उन बच्चों को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए 4 जून मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट वीक कंप्लीट होता है। सेकेंड वीक में, जून के जो सेकेंड वीक है, इसको जानकारी ले लेते हैं, इसमें कौन से महत्वपूर्ण दिवस है। 7 जून आप देख रहे हैं, 7 जून को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून, 8 जून को विश्व महासागर दिवस तो मनाया ही जाता है, साथ में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी मनाया जाता है। लास्ट आपका बचता है 12 जून, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 14 वर्षीय बालकों को जो श्रम लिया जाता है, इनसे कार्य कराया जाता है, तो उनके लिए मनाया जाता है विश्व बाल श्रम दिवस, निषेध दिवस। सो यहाँ से हमारा जून का द्वितीय सप्ताह भी समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, अगर कोई क्वेरी हुए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। सो फ्रेंड, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।